अभ्यास मंडल के पूरे परिवार को, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि आज अभ्यास मंडल ने भले ही विकल्प के तौर पर फिर भी आपने हमें याद किया। इंदौर नगर निगम कमिश्नर की हैसियत से या इंदौर कलेक्टर की हैसियत से अभ्यास मंडल से बहुत अच्छे से परिचित होने के नाते भी, और यहाँ पर इस सभागार में कई बार आप लोगों के साथ में और कई मौकों पर आपके साथ काम करने का मुझे जो मौका मिला था, उस तारतम्य में भी जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई तो आपको आना है, तो मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि भविष्य में विकल्प के रूप में भी ना देखा जाए हमको, इससे अच्छा इससे पहले जब विकल्प के रूप में देखा जा रहा है तो आजमाना ही चाहिए। यह प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रतिष्ठित व्याख्यान माला है और मैं बहुत सीरियस बातें भी नहीं करूंगा। पुनः धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे याद किया, जैसे मेरा परिचय हुआ तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं वर्तमान तेलंगाना तत्कालीन समय के आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के बसंत नगर से हूं और हमारा गांव जो है वो गोदावरी नदी से लगा हुआ है, तो मैंने गोदावरी नदी का पानी पिया है और प्लस वन प्लस टू सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो जो स्कूल था वो कृष्णा नदी के समीप था, तो सौभाग्य से कृष्णा नदी का पानी पीने का भी मुझे अवसर मिला। फिर हैदराबाद पहुंचे तो मंजीरा नदी, मैं वही आ रहा हूं एक्चुअली, हैदराबाद से मेरा पहला पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुआ तो छिंदवाड़ा, तो पेंच नदी का पानी पीने का मौका मिला। उसके बाद डबरा ट्रांसफर हुआ तो सिंध नदी, वहां से हम मऊ भी आए जहां नर्मदा का चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मतलब आज का जो सब्जेक्ट है वो वर्तमान समय में मीडिया के समक्ष चुनौतियां, तो वह इस एक कविता एक गाना जो है बहुत फेमस हुआ है, पॉपॉन एक असमी सिंगर है और स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, सभी लोग आप सभी फुर्सत से हैं, मैं भी फुर्सत से ही आया हूं। प्रणामी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कितना सुंदर वर्णन करते हैं कवि, प्रणामी ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र, कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र, वो जिंदगी के सखा यूं ही बहना, तू है सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता, प्रणामो ब्रह्मपुत्र, तेरे लहरों में पिता की बाहें मिले। मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे जैसे जहां जहां पे भी रहे हो और जहां जहां पे भी रहे हो कहां कहां का पानी आप लोगों ने पिया होगा, एक बार इसको अपने अंतर मन में एक बार स्मरण कर ले, तेरे लहरों में पिता की बाहें मिले, तेरे बूंदों में फसलों के मोती खिले, सदियों से तेरे किनारे जीवन का है खजाना, तू बहना यूं ही बहना, ये धरती सजल कर बहना, तू देश के कंधे का है नीला दुशाला। अभ्यास मंडल ने बहुत अच्छा प्रयास किया था कान नदी का, उस समय मैं कलेक्टर बन के आया था, आप लोगों के साथ में कुछ समय काम करने का मुझे मौका मिला और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कान नदी का बहुत कुछ काम भी चल रहा है। तेरे लहरों में जीवन की आहट मिले, तेरी बूंदों से दुनिया की आंसू धुले,
नदियां नहीं नद कहे तुझको कभी क्रोध ना दिखलाना, तेरे सदियों से जारी है बहना, तुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। बस यूं ही बहते रहना। नमामि ब्रह्मपुत्रा। मैं इसका जिक्र फिर लास्ट में करूंगा। मेरा ये सब्जेक्ट जो आज मुझे मिला है, इससे और इस नदी के प्रवास से क्या तुलना है। जीवन, हम सबका जीवन पानी से ताल्लुकात रखता है। आप मिनरल वाटर पिए, कोई भी पानी पिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो ऐसे जीवन से जुड़ा है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन है क्या आखिरकार? जीवन वही है जो प्रवाहमान है। जहां प्रवाह नहीं है वहां जीवन नहीं है। हम नदियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, मैं इधर थोड़ा रुक के बताऊंगा कि वही गोदावरी जिसका जिक्र मैंने किया लगभग 17 साल में गांव में था, जिसमें जिसका पानी हमने पिया। अब कभी कभी जो है जब उस नदी के किनारे खड़े होते हैं तो पानी पीने के लिए नहीं है, सूख गया है नदी, तो कम से कम हम प्रयास करते हैं कि कुछ खुशबू ही सही हमको मिल जाए। उस नदी के मिट्टी के अंदर कहीं पानी जो बचा कुचा है, कम से कम उस पानी का खुशबू ही सही हमारे तक आ जाए। अब कालांतर में जो है ये हो गया है कि खुशबू नहीं मिल रहा है, हमको बदबू भी जो है सूंघने को मिल रहा है। तो जीवन कहां से कहां तक जा रहा है? तो ये जो जीवन, जो ये जो प्रवाहमान जीवन है, इसको सहेज के रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार ये जो जीवन चलाने के लिए जो तंत्र है, ये तंत्र में जो है पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा और कुछ चीजें जो मैंने अभी लगभग 2.5 साल पत्रकारिता के सिर्फ नजदीक देखने को मिला है, आयुक्त जनसंपर्क होने के नाते, और वैसे भी लगभग 18-19 साल की ये जो नौकरी हमने देखा है। हमारे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में दो स्तंभ, उसी के अंतर्गत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे पहला जो आया है प्रिंट, उसके बाद जो आया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ये जो क्षेत्र रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, और मैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मीडिया, ये जो मोबाइल फोन का जमाना आ गया है, वह व्यक्ति जब केवल प्रिंट मीडिया ही रहा है, और वो भी जो है 2-3 दिन के बाद वो पेपर, या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कभी कभी तो एक आध हफ्ते के बाद वो पेपर पहुंचता था, उस जमाने में उस व्यक्ति ने पूरे देश को एक किया और अपनी विचारधारा को पूरे देश में अभिव्यक्त किया। और आज हम जब हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, कई सारे संसाधन है, किस हद तक हम अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं? तो ये जो डिफरेंस आया है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रभाव जो है, उसके बाद जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया का जो क्षेत्र आया है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं जिक्र करने का प्रयास करूंगा। प्रिंट मीडिया जो है, आज अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे तो लगभग जो है 30-35% लोग जो है आज भी प्रिंट मीडिया पे, यानी कि न्यूज़पेपर्स के ऊपर आधारित है समाचार के लिए, विचारों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है उसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा है, 50-55% जो है लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर निर्भर रहते हैं।
और सोशल मीडिया जो है, जो नया मीडिया आया है डिजिटल मीडिया, ये लगभग 15% का इसका आज के तारीख में घुसपैठ है। तो कालांतर में जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये जो तीसरा मीडिया जो आया है, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो केवल प्रिंट मीडिया ही था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आके थोड़ा उस एरिया को कवर कर लिया है। और अभी जो नया मीडिया आया है, न्यू मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये आके उन दोनों को धीरे धीरे किनारा करते जा रहा है। तो चुनौतियां क्या है, मैं फिर यही कहता हूं कि समाचार, विचार और तीसरा है आचार। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मीडिया के क्षेत्र में वो है समाचार। सब समाचार पढ़ना चाहते हैं, न्यूज समझना चाहते हैं, रोज क्या हो रहा है अपने इर्द गिर्द, देश विदेश प्रदेश सबका क्या हो रहा है। और सेकंड है व्यूज, विचार, एनालिसिस बेस्ड विचार। ये जो विचार व्यक्त होता है किसी भी चीज, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जो विचार व्यक्त हो रहे हैं उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और तीसरा जो अभी सोशल मीडिया और ये जो मीडिया आ गया है फटाफट धनाधन ब्रेकिंग। अभी मैं देख रहा था कि वो चुनाव डिक्लेयर होने वाले थे, कल चुनावों का डिक्लेयर, चुनाव रिजल्ट आने थे, टीवी चैनल पे आपका धड़कन तेज हो गया होगा। और अब किसी का धड़कन जो है तेज कब होता है, अब वो ठीक है दो दो तीन मिनट के लिए धड़कन तेज हो गया तो ठीक है, कल तक आपका धड़कन तेज रखिए। कल सुबह तो मर ही जाएंगे। हाँ, तो हमको जो है जो 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 मिल रहा है परोसा जा रहा है, तो जो मीडिया का जो क्षेत्र है, जो ये जो तीन चीजें हैं, तीसरा चीज जो आ गया है कि फटाफट धनाधन हर चीज फास्ट अभी तुरंत, ये जो है हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। इतना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, जैसे हम यहां देख रहे हैं कि कई सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जीवन जो है धीरे धीरे जीना है, यही है ना, मतलब हमको किसी ने, आपको खास तौर पर, हम लोग तो अभी बीच वाले हैं, हमको किसी ने नहीं बताया कि फटाफट जी लो अपना जीवन खत्म करो, मतलब वैसे ही अपना हेल्थ इंडिकेटर्स इतने बेहतर हो गए, स्वास्थ्य सुविधा इतना बेहतर हो गए, 80 साल तो जीना ही है। अब जब जीना ही है तो फटाफट जीने की क्या आवश्यकता है, तो धीरे धीरे जी ले, आराम से जी ले, मतलब धड़कन आप तेज करेंगे तो आप जल्दी मतलब धनाधन जीने की क्या आवश्यकता है। तो हमारा जो तीसरा जो नई पीढ़ी का जो मीडिया आ गया है, ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, कि इतना प्रभावित कर रहा है कि ये जो मोबाइल फोन है ये आपका, मतलब आपका फोन भी है, आपको एक फोटोग्राफर भी बना दिया है, आपको जो है जो भी लिखना है सोशल मीडिया में, फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी कुछ भी लिखना है तो इसी पे लिखना है, सेल्फी खींचना है, फोटो खींचना है, सब कुछ इसी से हो रहा है। धीरे धीरे आप देखना कि 10-15 साल में जो है आप जैसे ही जन्म लिए वो एक चिप लगा ही देंगे मोबाइल आपके शरीर से, कुछ आ ही जाएगा कि उसके बिना। अभी कहीं हम जोक पढ़ रहे थे तो दो चिड़िया बात कर रहे हैं आपस में, खेत में जो स्केल को लगा रहे उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बिजू का, तो दो चिड़िया बात कर रहे हैं, एक बोला यार देख लेना कि यहाँ पे इंसान खड़ा है, तो दूसरे चिड़िया ने बोला चिंता मत कर, उसके पास मोबाइल नहीं है, इंसान नहीं है।
तो ये जो मोबाइल फोन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे साथ चिपक के आ गया है, एक नहीं कभी कभी तो दो दो हो जाते हैं। तो इस फोन का जो इस तरह का जो सोशल मीडिया जो मीडिया का जो घुसपैठ है, ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों में तो उसका ज्यादा प्रभाव है, और उसके बिना क्या हम नया जीवन, ये जो नया जीवन निर्मित हुआ है, तो जी सकते हैं क्या? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो हमारे पास ये जो तीनों तरह के जो मीडिया उपलब्ध हो गए हैं, ये तीनों ठीक है, प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट को दोनों को मिला के सोशल डिजिटल मीडिया, आने वाले समय में सोशल और डिजिटल मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को खत्म कर देगा। आप देखिए, अभी जैसे मैं जनसंपर्क आयुक्त हूं, अब हमारे पास जो है टीवी चैनल्स का कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है, टीवी चैनल का एम्पैनलमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट्स का नहीं आता है, सब हम ऑनलाइन चैनल है। मैंने बोला ऑनलाइन चैनल क्या होता है, सब देखो ये जो टीवी चैनल है ना, इसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना है, अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग, ये लिंकिंग, वो लिंकिंग, ये सब हमें कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन चलाते हैं। तो भविष्य का जो है चैनल आप लोग देखना, ये जो जितने टीवी चैनल चलेंगे सब खत्म हो जाएंगे, ये सब आपको जो मोबाइल पे ही देखना है, घर पे अगर आप टीवी रखा है तो उसमें भी जो है नेट, इंटरनेट, वाईफाई, इसी पे देखने को मिलेगा। अमेरिका में प्रिंट मीडिया मतलब इतना फास्ट खत्म हो रहा है, इतना फास्ट प्रिंट मीडिया को मतलब लगभग 10% एवरी ईयर नीचे जा रहा है। तो तीसरा जो मीडिया जितना तेजी से कवरेज कर रहा है, तो वो हमारे जीवन को और प्रभावित करेगा। लेकिन इन सभी चीजों के आने के बावजूद भी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए चिंताजनक है, वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मीडिया की आवश्यकता जो है कि नहीं, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मीडिया के बिना जो है ये हमारा जो जीवन है वो वैसा ही है जैसे नदी जैसा है, जो जिसके ऊपर मैं जहां आ रहा हूं। हमको मीडिया की आवश्यकता 1000% है, और मीडिया पत्रकारिता के बिना हमें अपना जीवन को देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस दौर में, ये जो इंपॉर्टेंट दौर चल रहा है, इस दौर में जो है विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि विश्वसनीयता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पत्रकारिता का क्षेत्र में ये जो विश्वसनीयता वाली जो बात है, इस पे हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे जो मार्केट फोर्सेस जो आ गए हैं, जो मार्केट आ गया है, आपका पेपर 10 रुपए में बनता है, न्यूज़पेपर बिकता 2 रुपए में है, तो 8 रुपए कौन दे रहा है? मार्केट दे रहा है। तो मार्केट जो 8 रुपए देगा, तो मार्केट अपने हिसाब से देगा, पाठकों के हिसाब से पूछ के थोड़ी देगा कि आपके लिए इंटरेस्ट की चीज है, मैं आपको ये 8 रुपए का पेपर में परोस रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं आप बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, ब्रेक इवन तभी हो सकता है जब आपके पास एडवर्टाइजिंग है। आपके पास एडवर्टाइजिंग नहीं है तो आप अपना टीवी चैनल बंद करके रख ले, क्योंकि आपके जेब से आपको पैसा आप नहीं लगा पाएंगे, टीवी चैनल नहीं चल पाएगा, वेतन तक नहीं दे पाएंगे। तो सबसे आसान कौन सा आ गया है? ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया आ गया है। ऑनलाइन मीडिया या फिर सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण हमारे
पत्रकारिता के स्तंभों को अटैक कर रहा है। जैसे मैंने कहा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, आप देखेंगे कि आपको आप चैनल कितना भी चेंज कर ले, आप सबने टेक्निक अपना लिया है। देखो इधर से चैनल चेंज करोगे ना, उधर आदमी उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो उसको वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, न्यूज आता था 7 बजे, है ना, अब हो गया 6:55 हो गया वो। हाँ, जो न्यूज 7 बजे स्टार्ट होता था वो 6:55 क्या होता है, मतलब 6:55 ऐसे क्या मतलब मुहूर्त है क्या कि 6:55 है? हाँ, 7 राउंड फिगर था ना, 7 बजे न्यूज आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 6:55 पे आएगा, 7:55 पे आएगा, 8:55 पे आएगा। तो ये जो है आपको इसको ऐसे ऐसा घसीट रहे हैं कि आप तो आपको तो भले ही आप न्यूज ना देखें, आपको एडवर्टाइजमेंट तो जरूर दिखाएंगे हमारा। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो हमको जो मार्केट फोर्सेस जो है, मैं मार्केट की बात करूंगा, मार्केट फोर्सेस में कई सारे चीजें हैं, इसमें हम जैसे लोग भी हैं जो सरकार में बैठे हैं, हम भी प्राइम टाइम देखते हैं, सरकारी एडवर्टाइजमेंट भी देना है तो सही टाइम देख के देंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी भी समय दे देंगे। तो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं वो हमारे बेसिक पत्रकारिता के पास, वहां जो 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 पैर है वहां पे अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूज आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विश्वसनीयता के साथ साथ बिना रिसर्च किए, बिना वास्तविकता को परखे, थोड़ा बहुत मतलब कुछ न्यूज आइटम तैयार कर रहे हैं तो कम से कम इतिहास में तो जाए, थोड़ा पीछे जाके देख ले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिना रिसर्च किए आपने अपने न्यूज और व्यूज परोस दिया, वो पढ़ लेगा, जो पढ़ रहा है वो उसके ऊपर डाल देते, थोप देते, उसको जो करना है देख ले। तो रिसर्च और एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पत्रकारिता का, वो कहीं प्रभावित हो रहा है। ये जल्दी जल्दी न्यूज वाले, फर्स्ट न्यूज वाले, हम सबसे पहले हमने ब्रेक किया, हमने भेजा, हमारा न्यूज आइटम है, तो सबसे पहला से ज्यादा सबसे विश्वसनीय कौन सा है इस पे हमको, और सबसे सही और सटीक और जो रिसर्च जिसने सही एनालिसिस किया है उसने कौन सा न्यूज आइटम भेजा, उसके ऊपर अपने को भले ही 1 घंटा लेट मिल जाए, पहले ही डाल दिया कि फलाने महानुभाव का मृत्यु हो गए, फिर आधे घंटे के बाद आते, नहीं 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 सॉरी गलती हो गई, वो जीवित है। ऐसे महापुरुष कई बार उनका डेथ हो गया। अब सारे बोलने से तो ये जो फास्ट वाली चीजें हैं हमें बहुत इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है कि रिसर्च इतिहास पृष्ठभूमि में जाके वापस आने की आवश्यकता है। और नहीं जाएंगे तो आपका फिर वही क्रेडिबिलिटी वाला प्रश्न आएगा, और भले ही आज के तारीख में आप कुछ पॉइंट्स स्कोर कर रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट कर दिया, मैंने तुरंत दे दिया, मैंने सबसे पहले कर दिया, लेकिन आपकी विश्वसनीयता जो है वो हमेशा प्रश्न चिन्ह के रूप में जाएगा। भाषाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में डेफिनेटली एक चीज जो पॉजिटिव हुआ है वो है भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हो गया है ये जो नए मीडिया आने के बाद। भारतीय भाषाओं का खासतौर पर आप देखेंगे हिंदी में आपको बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे व्यूज, समाचार, कई सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगे। बट प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम यही आ रहा है कि भाषाओं में हम सोफिस्टिकेशन और ज्यादा सिंप्लिसिटी करके
ओरिजिनलिटी को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है और जो डायलेक्ट्स हैं, जो उपभाषाएं हैं, वो बिल्कुल खत्म से हो रहे हैं फटाफट, जितना जल्दी डिसअपियर हो रहे हैं, कि उस भाषा को भी जो है तवज्जो देने की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। मैं आप बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, ब्रेक इवन तभी हो सकता है जब आपके पास एडवर्टाइजिंग है। आपके पास एडवर्टाइजिंग नहीं है तो आप अपना टीवी चैनल बंद करके रख लें, क्योंकि आपके जेब से आपको पैसा आप नहीं लगा पाएंगे, टीवी चैनल नहीं चल पाएगा, वेतन तक नहीं दे पाएंगे। तो सबसे आसान कौन सा आ गया है? ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया आ गया, ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया या फिर सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण हमारे पत्रकारिता के स्तंभों को अटैक कर रहा है। जैसे मैंने कहा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। आप देखेंगे कि आपको, आप चैनल कितना भी चेंज कर ले, आप सबने टेक्निक अपना लिया है। देखो इधर से चैनल चेंज करोगे ना, उधर आदमी उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो उसको वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, है कि नहीं? हाँ? न्यूज आता था 7 बजे, है ना, अब हो गया 6:55 हो गया वो। हाँ? जो न्यूज 7 बजे स्टार्ट होता था वो 6:55 क्या होता है? मतलब 6:55 ऐसे क्या मतलब मुहूर्त है क्या कि 6:55 है? हाँ? 7 राउंड फिगर था ना, 7 बजे न्यूज आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, 6:55 पे आएगा, 7:55 पे आएगा, 8:55 पे आएगा। तो ये जो है आपको इसको ऐसे ऐसा घसीट रहे हैं कि आप तो, आपको तो भले ही आप न्यूज ना देखें, आपको एडवर्टाइजमेंट तो जरूर दिखाएंगे हमारा। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो हमको जो मार्केट फोर्सेस जो है, मैं मार्केट की बात करूंगा, मार्केट फोर्सेस में कई सारी चीजें हैं, इसमें हम जैसे लोग भी हैं जो सरकार में बैठे हैं, हम भी प्राइम टाइम देखते हैं, सरकारी एडवर्टाइजमेंट भी देना है तो सही टाइम देख के देंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी भी समय दे देंगे। तो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं वो हमारे बेसिक पत्रकारिता के पास, वहां जो 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 पैर है वहां पे अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूज आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विश्वसनीयता के साथ साथ बिना रिसर्च किए, बिना वास्तविकता को परखे, थोड़ा बहुत मतलब कुछ न्यूज आइटम तैयार कर रहे हैं तो कम से कम इतिहास में तो जाए, थोड़ा पीछे जाके देख ले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिना रिसर्च किए आपने अपने न्यूज और व्यूज परोस दिया, वो पढ़ लेगा, जो पढ़ रहा है उसके ऊपर डाल देते, थोप देते, उसको जो करना है देख ले। तो रिसर्च और एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पत्रकारिता का, वो कहीं प्रभावित हो रहा है। ये जल्दी जल्दी न्यूज वाले, फर्स्ट न्यूज वाले, हम सबसे पहले हमने ब्रेक किया, हमने भेजा, हमारा न्यूज आइटम है, तो सबसे पहला से ज्यादा सबसे विश्वसनीय कौन सा है इस पे हमको, और सबसे सही और सटीक और जो रिसर्च जिसने सही एनालिसिस किया है उसने कौन सा न्यूज आइटम भेजा, उसके ऊपर अपने को भले ही 1.5 घंटा लेट मिल जाए, पहले ही डाल दिया कि फलाने महानुभाव का मृत्यु हो गए, फिर आधे घंटे के बाद आते, नहीं 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 सॉरी गलती हो गई, वो जीवित है। ऐसे महापुरुष कई बार उनका डेथ हो गया। अब सॉरी बोलने से, तो ये जो फास्ट वाले चीजें हैं हमें बहुत इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है।
कि रिसर्च इतिहास पृष्ठभूमि में जाके वापस आने की आवश्यकता है। और नहीं जाएंगे तो आपका फिर वही क्रेडिबिलिटी वाला प्रश्न आएगा, और भले ही आज के तारीख में आप कुछ पॉइंट्स स्कोर कर रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट कर दिया, मैंने तुरंत दे दिया, मैंने सबसे पहले कर दिया, लेकिन आपकी विश्वसनीयता जो है वो हमेशा प्रश्न चिन्ह के रूप में रह जाएगा। भाषाएं, पत्रकारिता के क्षेत्र में डेफिनेटली एक चीज जो पॉजिटिव हुआ है वो है भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हो गया है ये जो नए मीडिया आने के बाद। भारतीय भाषाओं का खासतौर पर आप देखेंगे हिंदी में आपको बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे व्यूज, समाचार, कई सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगे। बट प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम यही आ रहा है कि भाषाओं में हम सोफिस्टिकेशन और ज्यादा सिंप्लिसिटी करके ओरिजिनलिटी को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, और जो डायलेक्ट्स हैं, जो उपभाषाएं हैं, वो बिल्कुल खत्म से हो रहे हैं, फटाफट जितना जल्दी डिसअपियर हो रहे हैं, कि उस भाषा को भी जो है तवज्जो देने की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो डायलेक्ट्स जो है, जो उपभाषाएं हैं, वो इस नई संस्कृति में वो कहीं खो रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हर कोई मतलब ऐसा भाषा बोलने का प्रयास कर रहा है जो बिल्कुल ऐसा गुल मिल जाए सबके बीच में, ऐसा ही तुरंत गुल मिल जाए। तो जो हमारी ओरिजिनल संस्कृति है, जो सभ्यताएं हैं, मैं फिर आऊंगा वो जो नदी वाले पॉइंट पे, मैंने जितने नाम बताए हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में अब लगभग घूम चुका हूं, मेरा ऑलमोस्ट परिक्रमा हो गई है, इसलिए भोपाल पहुंच गया हूं, तो मैं इधर भोपाल या इंदौर, उधर ग्वालियर, इधर रीवा, सिंगरौली वाला इलाका या छिंदवाड़ा वाला इलाका, आप देखेंगे हर जगह हिंदी के ही जो है अलग अलग बोलियां जो है, उपभाषाएं जो है, उसका अपना अपनी एक खूबी है। जैसे ही आप शुद्ध हिंदी बोलने लगते हैं, बोलना चाहिए ऐसा ही, हम मैं तो मेरी मातृभाषा तो तेलुगु है, और हमारे यहां जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो केवल एक ही इसी बोली के विषय के बारे में ही, जहां पे मतभेद आ गया कि ये जो देखो हमारे इस बोली को ये लोग अवहेलना करते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश वाले हमारे तेलंगाना की तो तेलुगु भाषा की अवहेलना करते हैं, उसी आधार पर जो है दो एक स्टेट दो में डिवाइड हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, स्थानीय भाषा बोली उपभाषाओं को जो है कभी भी खत्म नहीं करना है, उसके साथ ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हमारी जो जहां जहां पर भी नदियां जो संस्कृति सभ्यताएं लाई हैं, वो हमारी संस्कृति सभ्यताएं उस जैसे जिस नदी का, जैसे मैंने कहा है कि नदी सूख गई है, हम खुशबू के लिए ही वहां खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं बदबू आ रही है। तो हमको हमारी भाषाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और कभी जो है डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी जो है हमारी भाषा हमारी बोली का अवहेलना नहीं करने देना चाहिए, और जितना प्रयास हो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों से अनुरोध है कि स्थानीय भाषा स्थानीय बोली का जो है और महत्व बढ़े, लिखें लोग, लिखें लोग, कथाएं जो लोगों के बीच में है उसको ढूंढ निकालें। और ये जो मार्केट फोर्सेस है, बाजारवाद जो पत्रकारिता के क्षेत्र में
जो चीजें आ गए, जैसे मैंने बताया कि पैसा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते जा रहा है। पैसा जितना ज्यादा किसी भी व्यवस्था को अटैक करेगा, उतना ज्यादा हमारी व्यवस्था शिथिल होते जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि पैसा जो है हावी ना हो। एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग की गतिविधियां जो है हमारी पत्रकारिता से कहीं मतलब उसको दूर रखने का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि पैसा नहीं है तो टीवी चैनल बंद हो जाएंगे, पैसा नहीं है तो प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा, बट जितना आवश्यक है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता जरूर है। बाजारवाद किसी भी व्यवस्था संस्था के ऊपर प्रभावशाली नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और हमारे इस पत्रकारिता में महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, उनके लिए समुचित और उपयुक्त स्थान होना चाहिए। जो सोशल कॉजेस हैं, जो सामाजिक सरोकार है, उसके लिए पर्याप्त और आवश्यक स्थान होना बहुत जरूरी है। मैं कई बार अनुरोध करता हूं, बीच में मैंने एक पत्र भी लिखा है हमारे सभी एडिटर्स को, एक पत्र लिखा मैंने कि अनुरोध है कि ये जो सुसाइड होता है वो पांचवें पेज पे मैंने देखा है कि वो बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, जो समाज के लिए कंटेजियस है, यानी कि समाज में जो चीज एक को देख के दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है और नेगेटिव है उसको कम दर्शाएं, जो पॉजिटिव है उसको ज्यादा दर्शाएं। मेरे कहने का है कि आपको जो है एक पेज और एक कॉलम डेडिकेट करने की क्या आवश्यकता है सुसाइड के ऊपर, वो कंटेजियस है। जैसे ही जिस व्यक्ति के दिमाग में कुछ चल रहा है वो जैसे ही पढ़ता है उसको लगता है कि हाँ यही रास्ता है, रास्ता वो नहीं है, हम सबको पता है। जो पॉजिटिव चीजें हैं, मैं आपने देखा होगा कि मैं जितने भी अभी पिछले 1.5-2 साल में हमने सरकार के लिए ही सही जितने भी हमने एडवर्टाइजमेंट्स बनाए, मेरा एक ही हमेशा उसमें एस्पेक्ट रहता है कि जितने कैरेक्टर्स हैं हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा। उसका प्रभाव इतना अधिक रहता है, जिसके मन में भी कुछ भी चल रहा हो नेगेटिव, एक बार वो मुस्कुराने वाला कुछ भी देख लेता है उसका मन बदल जाता है। तो जो पॉजिटिविटी है कि हमको हमारी पत्रकारिता को कैसे पॉजिटिव, मैं कहता हूं कि आप किसी सुसाइड जैसा नेगेटिव न्यूज छापने के बजाय आप ऐसे व्यक्ति का छापो जिसने उससे उभर कर आके कुछ हासिल किया, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज्यादा प्रभाव डालेगा। और ऐसे हैं हमारे ऐसे पत्रकार हैं जो ये ऐसा काम करते हैं, परंतु हमें नेगेटिव चीजों को कैसे खत्म करना है। और ये नहीं कह रहा हूं, ये भी मैं कह रहा हूं कि हमें अगर फेल्यूर है समाज में, अगर फेल्यूर है उसको एक्सेप्ट करने का भी हमें हिम्मत होना चाहिए, देना चाहिए। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, कोई भी हो, फेल्यूर जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो जहां फेल्यूर है उसको दर्शाए कि हां फेल हुआ है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, इसके आगे जीवन है। तो पत्रकारिता का कितना बड़ा प्रभाव है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ये स्टोरी जो है एक बच्ची ने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि फलाना हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूरी पे एक महिला जिसकी शादी हो चुकी थी, जो केवल 12वीं पास हुई थी, और उसने पढ़ा कि देखो बगल वाले गांव के टेलर का बेटा है, वो अपने मेहनत, अपने खुद के मेहनत पर आईएएस अफसर बना। वो उसको लगा कि अरे हम क्यों नहीं बन सकते,
तो उस लड़के ने वो पॉजिटिव न्यूज सुना, देखा, और खुद जो है ओपन यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री की, और एक उसकी बेटी थी, शादीशुदा थी, बेटी थी, उसके बावजूद उसने जो है आईएएस का एग्जाम लिखा और सिविल सर्विसेज में पास हो गया। वो 8 साल के बाद जब मैं सिंगरौली कलेक्टर का मुझे ढूंढते हुए आई कि सर आपका वो जो न्यूज हमने पढ़ा था, हमको भी लगा कि हम भी बन सकते हैं, गांव के आप भी हैं, हम भी गांव के हैं, तो हम भी बन सकते हैं, तो हम भी आईएएस अफसर बन गए। आपका केवल वो स्टोरी सुन के पढ़ के, अभी पिछले कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 हफ्ते पहले मैं एक शादी अटेंड करने गया था छिंदवाड़ा, वो भी एक लड़का जो मैं सहायक कलेक्टर था छिंदवाड़ा में, तो वो मुझे शादी का कार्ड देने आया और उसने कहा कि सर आपकी वजह से मैं आईएएस अफसर बना। मैं बोला मैं तो जानता भी नहीं हूं आपको। उसने कहा सर आप जब असिस्टेंट कलेक्टर थे, आप हमारे स्कूल आए थे और मैं 8th क्लास में था, आपने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया, तो मैं तो कई सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ। नहीं नहीं सर, आपने मुझे मुझसे पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैंने उससे पूछा शायद, तो उसने बोला कि सर आपके जैसा मैं ही सबसे कलेक्टर बनूंगा। तो मैंने इतना कह दिया था शायद, उसने मुझे स्मरण कराया कि बहुत मेहनत करो, आप भी मेरे जैसे कलेक्टर बन सकते हो। वो मेरे दिमाग में रह गया और वो सच में 2017 बैच का ये सब सर बना भी। तो शादी का कार्ड देने आ गया तो मैं गया उसके शादी में। तो मैं कहता हूं कि ये कंटेजियस है, ये अच्छापन भी कंटेजियस है, ये अच्छापन भी जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है, मोटिवेट करता है। तो हमारा जो पत्रकारिता में, मीडिया में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है किसका, इसलिए मैं कहता हूं कि ये नदी है, ये जीवन है, ये हमारी जीवनदायिनी है। तो हमारे नदियों को जिस तरह से हम सहेज के रखते हैं, प्रयास करते हैं, मरने नहीं देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, कभी शांत बहे कभी रुद्र। तो आपकी पत्रकारिता जो है कभी शांत रहना चाहिए, और जब कभी समाज में ऐसे चीजें निकल के आ रहे हैं तो अपना रुद्र रूप भी दिखाना चाहिए। तो हमारे पत्रकारिता का जो इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि जो पॉजिटिविटी पत्रकारिता ला सकती है, उसके छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स चीजें जो है अगर हम करने का प्रयास करें तो बहुत कुछ पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एक मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आम जनता को जो है मीडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे विषय वस्तु हैं जिसके बारे में समझ होनी चाहिए, उसके बारे में कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटी सी सुंदर सा एक स्टोरी सुनाता हूं। अभी इलेक्शंस हुए हैं और बहुत उत्सुकता भरे इलेक्शंस रहे हैं आंध्र प्रदेश में। मैं फिर मीडिया लिटरेसी की बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस भी हुए हाल ही में, अभी वहां पे लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शंस भी हुए, और आंध्र प्रदेश साउथ में जो है पढ़े लिखे लोग काफी हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन पैसा भी खूब चलता है। और मैं वोट का कास्ट क्या है नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ इशू है, पर नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए चीजें आ गए हैं, मतलब प्योरली अन्यथा ना ले तो मैं एक दो एग्जांपल्स भी दे दूंगा। तो किस तरह से पत्रकारिता जो है अपना नया, पत्रकारिता तो नहीं है, दूसरा उससे जुड़ा हुआ इशू, अब वहां का जो है टिकट, मतलब वोट के लिए जो पैसा देना था, तो लोगों ने नया तरकीब निकाला। तो सुबह पेपर डालने जाता है, उसी को सौंप दिया काम। तो बंडल बना दिया,
आपके घर में अगर चार लोग हैं, चार इंटू करके पैकेट बना के पेपर वाले ही डाल के जा रहा है सुबह पैम्पलेट जैसा। तो एलपी श्रीराम एक बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे साउथ के, अक्सर कॉमेडी रोल्स करते हैं, यंग के रूप में भी कभी कभी करते हैं। उन्होंने एक छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो निकाला, थैंक यू, 2 मिनट का वीडियो निकाला, फिल्म निकाला, सोशल मीडिया पे उन्होंने खूब घुमाया। मैं मीडिया लिटरेसी की बात कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जाते हैं, वो है बुजुर्ग है, लगभग 60-65 साल के हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, थोड़ा वरिष्ठ है, तो 60-65 साल के हैं। वो थाने में जाते हैं, साहब ये लो मेरा कंप्लेंट, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करो। तो थानेदार बोलता है कि आपके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज करें, कोई खुद आके बोलता है कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करो, नहीं साहब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करो। तो बोले क्यों, कि साहब मैंने वोट के लिए पैसा लिया मैंने, और वोट के लिए मुझे शराब दिया गया था मैंने पी लिया। तो मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि आप इतने सारे महानुभाव हैं, तिवारी जी हैं, पत्रकार से जुड़ा हुआ कई लोग हैं यहाँ पे, और मैं तो एज कलेक्टर ग्रुप में 3 विधानसभा इलेक्शन 3 लोकसभा इलेक्शन कराया मैंने, 10 साल कलेक्ट्री की है, बड़ा लंबा समय। मैंने कभी नहीं देखा किसी वोटर ने आके कंप्लेन किया कि साहब हमको पैसा मिला वोट डालने के लिए ये लोग, या हमको शराब मिला, हमको जो है साड़ी मिली या कुछ मिला, किसी ने नहीं बोला अभी तक, किसी ने कंप्लेन नहीं की। तो एलबी श्रीराम ये जो व्यंगकार है, ये जो एक्टर है, ये जाते हैं कंप्लेन देते हैं कि साहब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करो, मैंने पैसे भी लिए, मैंने शराब भी लिया है वोट डालने के लिए। तो थानेदार बोलता पागल हो क्या, तो लिया आपने तो वो जिसको डालना डालो, मैंने साहब मैंने गलती की है। गलती क्या किया, अरे साहब वो सरकारी आदमी अगर पैसा लेता है, घूस लेता है, तो उसके ऊपर जो है ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और कौन कौन से रेड होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और इतना बड़ा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए मुझे रिश्वत दिया गया वोट डालने के लिए, और ये तो सरासर गलत है। तो व्यंगकार यहां ये दर्शाना चाहता है, ये जो मीडिया लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं, वो छोटा सा ही सही 2 मिनट का छोटा सा फिल्म हमको सोचने में मजबूर करता है कि आखिरकार जो है व्यवस्था में ये लोग क्यों नहीं आ रहे बाहर भाई। जैसे मैंने बोला है ना, आपके पास या किसी के पास कोई आया तो मुझे बताइए। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया का रोल यही है। हम लोगों ने पेड न्यूज देखा, पेड न्यूज का जमाना गया, आप लोग मानते हैं गया, हाँ पेड न्यूज का जमाना गया, हाँ पैकेज में आ गया, फेक न्यूज नहीं, फेक न्यूज पे मैं आऊंगा अभी, अभी तो पेड न्यूज पे है। अभी जो है नया सिस्टम आ गया है, नया सिस्टम में ये है, तिवारी जी अन्यथा नहीं लेना, अभ्यास मंडल वाले बुलाए तो मुझे कुछ तो बोलना ही होगा, आधा फोन कर रहा तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि 2 कालम इनका छापा, 2 कालम इनका भी छापा, एक फोटो इनका भी छापा, एक फोटो उनका भी छापा। तो हाँ, जो नहीं दे पा रहे तो वो तो है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो अब पेड न्यूज कहां से हो गया भाई, आपका भी तो छापा, आपका भी तो छापा, दोनों का छापा है, दोनों का 2-2 कालम, 2-2 इधर दो उधर दो, और इधर फोटो उधर फोटो। तो ये नए तरकीब है, वहां तो
मतलब सामाजिक एकता सभी के लिए समान व्यवहार स्वरूप, तो हमको यहां पे जो लिटरेसी है, मीडिया लिटरेसी की जो बात आती है, आम आदमी को जो है इससे वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। असांज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो तो दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे महत्वपूर्ण चीजों को निकाल के उस आदमी ने बाहर किया और उसको जो है अपने जीवन जीने के लिए कहीं किसी देश में जाके शरण लेना पड़ा और वहां से भी उठा के लाए कि कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आके उसके समक्ष में खड़े हुए हैं। तो हमको जिस दिन हम हमारा ये जो पत्रकारिता वाला जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है देश मतलब हमारे व्यवस्था का, इसका अंग है वो व्यक्ति, तो इसलिए उसको खड़ा होने देना है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा हर न्यूज वाकई सही हो, विश्वसनीय हो, और ये जो फेक न्यूज की बात आई है, फेक न्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम में से यहां पे जितने बैठे लोग हैं इसमें से 62% लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि ये वास्तविकता में सही है कि गलत है। ये जो फॉरवर्ड हो जाता है, आजकल फॉरवर्ड फटाक से हो जाता है, मतलब अपने देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दुनिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो हमको जो न्यूज हमारे पास आया है तो एक बार तो पढ़ी ले, पढ़ा ही नहीं उसको फॉरवर्ड करते, पहले फॉरवर्ड करो फिर बाद में पढ़ो। हाँ, हमको असली मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है, आप जब भी बोलेंगे हम अच्छा, असली मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। असली मुद्दे वही हैं जो हमें आराम से जीने दे, जल्दी जल्दी जीने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हमें हमारा जीवन समाप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा वो जीवन जो सरलता के साथ, आसानी के साथ, वो जीवन जो प्रवाहमान है, वो जीवन पानी जैसा कलकल बहता है, वो जीवन जहां मुड़ने की आवश्यकता है वो वहां मुड़ेगा। ऐसा जीवन नहीं जहां पे आपने रोक लगा दी और आपको आपके जीवन को रोक ही दिया, भले ही कितने भी बांध बन जाए आपके उस नदी पे। तो पत्रकारिता वही है जो हमें जीने की आजादी देता है, हमको मुड़ने का, हमें अपना किनारा ढूंढने का मौका देता है, वो असली पत्रकारिता है। तो हमें उस प्रवाहमान पत्रकारिता को, उस जीवन पत्रकारिता को जो है सहेज के रखना बहुत जरूरी है। हमें जानते कि मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया बैरन्स हैं जो हम बात करते हैं, लेकिन उसके अधीन भी जो है स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत जरूरी है। और मुझे, मैं बहुत आशावादी हूं कि हमारे देश में जो है लोग इस बात को समझते भी हैं और आगे बढ़ाते भी हैं, और हमारे इस सोशल डिजिटल मीडिया का एक नया स्वरूप यह भी आया है कि लोग अपने विचार और ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं, और ज्यादा और मजबूत के साथ और बेहतर और अच्छे से व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए हमें, मैं तो आशावादी हूं कि हमारे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने बेहतर लोग हैं उनको और मौके मिलना चाहिए, उन्हें और प्रयास करने की, उनके अंदर जो क्षमता है उसको खींच के बाहर लाने की आवश्यकता है।
चैलेंजेस तो हर फील्ड में रहेंगे, कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें चैलेंजेस नहीं है? लेकिन हमारा जो मैच्योर पत्रकारिता है, इसमें जो चैलेंजेस है, इसको आगे बढ़ के हमें और मौके देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भले कितना भी नए युग के मीडिया आए हैं, कितने भी मीडिया आएंगे और भी आएंगे, इसके अलावा नया कुछ और स्वरूप भी आएगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि असली विचार जो है, कभी विचारों का मृत्यु कभी नहीं हो सकता है, विचारों का केवल जन्म हो सकता है, विचारों की मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। इसलिए विचारों का जो प्रवाहमान नदी जैसा जो विचार है, उनको आने दो, उनको बहने दो। तकलीफें आएंगे, आपके पास सीमित साधन संसाधन, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, पर बहते रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो खासतौर पर युवा पीढ़ी आगे आ रहा है, युवा पीढ़ियों को जो है हमें और मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि इन चैलेंजेस को से उभर कर कैसे हम बेहतर पत्रकारिता के लिए, चाहे हम गवर्नमेंट में बैठे लोग हों या फिर संस्थाएं जो इसके लिए काम करते हैं, या फिर आप जैसे स्वच्छंद संस्थाएं हैं, हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि कैसे हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दें, कैसे हम मजबूत करें, सुदृढ़ करें, ताकि पत्रकारिता में जो है वो विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। मैं ये कहता हूं कि जो जवान खड़ा है बॉर्डर पे, वो देश के बाहरी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, जो कलम लेके पत्रकार बैठा है देश के अंदर, वो देश की अंदर की सुरक्षा करता है, उसका कलम चलने देना है। और जितना बेहतर हम सब मिलकर मार्गदर्शन देंगे, उतना ही बेहतर पत्रकारिता उभर कर आएगा और हमारी इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से यही कहूंगा कि अपने बच्चों को और स्वयं भी जो है जीवन जीने की कला सिखाने की जरूरत है। जितना हम जीवन उन्हें दिखाएंगे, और कोई जल्दबाजी नहीं होना है, जल्दबाजी का कोई जीने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, तुरंत किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं, कई बार स्टूडेंट्स के बीच में ये जिक्र करता हूं कि मेरे पापा जो है वो 5वीं तक पढ़े थे, टेलरिंग का काम करते थे, तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल में। 10th क्लास का जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, बेटा पास हो गया हो क्या? तो मेरा ये प्रयास था कि मैं टॉप करूं, पूरे प्रदेश में टॉप करूं, टॉप 10 स्टूडेंट्स में मेरा नाम आए। वो बोलते थे कि बेटा पास हो गया हो कि नहीं हो गया। तो उनके उम्मीदें जो है वो अभी भी मैं समझता हूं कि आज जाके समझ में आता है कि वो सही थे, मैं कौन सा टॉप करने की प्रयास कर रहा था। टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को जो है कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, पास हो जाए, भले एक आध बार फेल हो जाए, आगे बढ़ेंगे। पर जीवन जीना है, जीवन पास नहीं होना है, हमेशा पास होने की क्या जरूरत है? इसमें पास हो जाएंगे, उसमें पास हो जाएगा, फर्स्ट आ जाऊंगा। अभी बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे थे, 499 500 के 500, और बाकी बच्चे जो है उनके अंदर घबराहट कि उसको इतने मार्क्स आए, हमको जरूरत नहीं है। तो अभी भी मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, खूब पढ़ता था और बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, बट अब क्या कर रहा हूं उसके साथ? हाँ?
जीवन में कई फेल्यूर आए, तो मेरा तो ये कहना है कि हम सबको जो है खास तौर पर नई पीढ़ियों को जो है केवल जीने के लिए बोले और पॉजिटिव जीना, सकारात्मक रूप से कैसे जीना है, अपना टाइम आएगा बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, तो तुम्हारा टाइम आएगा, तो जरूरत नहीं है कि आज ही आएगा, हम कभी भी आ सकता है। हम लोग कितने सारे लोगों को नहीं देखा है कि हमारे समकक्ष के थे, हमसे बेहतर थे, लेकिन हम आगे बढ़े वो ही रह गए, लेकिन एक दिन आया कि वो आगे बढ़ गए हम पीछे रह गए। कई बार होता है अपने जीवन में, उम्र के किस पड़ाव पर आपका टाइम आएगा किसी को पता नहीं है। और बच्चों के लिए तो, स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो नया जमाना, नया टेक्नोलॉजी, कई सारी चीजें आ गई हैं, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि उनको जीवन जीने की कला सिखाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभ्यास मंडल अपने पूरे प्रयासों से और जिस तरह का आप लोग कार्यक्रम करते हैं, डेफिनेटली ये सकारात्मक वातावरण ही हमेशा निर्मित करेगा और हमेशा ऐसे ही अच्छे प्रयास होते रहेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा हिंदी में मैंने अपना विचार व्यक्त किया है। मैं कई बार ये कहता हूँ कि जब मैं छिंदवाड़ा में आया था, वैसे तो मैं हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी रहा है, यानी कि हम तेलुगु मातृभाषा के साथ इंग्लिश और हिंदी, हिंदी भी हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, लेकिन भाषा वही है जो बोला जाता है, भाषा जो जो बना है वो बोलने के लिए है, भाषा बाद में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए भाषा बन गया है, लेकिन भाषा शुद्धता बोलने के लिए है। तो मुझसे जो भी बोलते हैं कि आप बेहतर बोल लेते हैं हिंदी में, तो यही कहता हूं कि बिना हिचक बोलते जाए। तो जब मैं छिंदवाड़ा में पहला मेरा पोस्टिंग रहा छिंदवाड़ा में, जो ऐसे ही हमारे कलेक्टर साहब ने बोला कि नरहरी आ जाओ, उस स्कीम के बारे में बताओ, तो मैं बोलने लगता था, लोग हंसते थे। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से है, प्रॉब्लम मेरा नहीं है, आपका प्रॉब्लम है एक्चुअली। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में स्त्रीलिंग, पुलिंग और तीसरा लिंग नपुंसक लिंग भी है, हिंदी में केवल दो लिंग है, लेकिन हिंदी जो है वो कालांतर में संस्कृत से निकलकर अब संस्कृत में वापस जाए कितने लिंग है, भी तीन लिंग है वहां पे। अब ये जो है ये स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, जब समझ में नहीं आता, जब हम हिंदी बोलने लगते थे कि लोग हंसते थे कि मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन भाषा बोलने के लिए है। अब बोलते जाइए तो लिंग अपने आप में सुधर जाएगा। तो जितने भी साउथ इंडियन या फिर ऐसे भाषाओं से आते हैं उनको ये कहता हूं कि आप कोई भी भाषा सीखना है बोलना स्टार्ट कर दो, तो पीड़ा तो उसकी होगी ना जो सुन रहा है, आपको कौन सा, आप तो बोलना स्टार्ट कर, आपकी भाषा सुधर जाएगी, उसकी हंसना जो है बंद हो जाएगा धीरे धीरे। भौतिक संसाधनों पर निर्भरता से कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सफलता संभव होने के लिए क्या हल प्राप्त करना चाहिए। मतलब सफलता के लिए मैंने बोला ही है, तो हमें सफलता के बारे में सोचना नहीं है। ये मेरा मेरे जो अभी 44 साल में जो सीखा है मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे सहमत नहीं होंगे, बट सफलता जो है कोई हासिल करने वाली चीज नहीं है, सफलता हो जाती है, मतलब सफलता अपने आप में तब, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं सफलता में तब्दील हो जाता है। हाँ, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जितने भी लोग जो है, मैं नहीं समझता कि कोई मतलब पहले रिजल्ट
घोषणा कर दिया फिर उसके और बड़ा हो, अगर बड़ा है तो अच्छी बात है, मतलब इतना दूरदर्शी अगर है। लेकिन आप जो कदम दर कदम मतलब आप चलते रहेंगे तो आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो सफलता जो है कोई ऐसा, सफलता जो है एक दूसरे के लिए अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सफलता भी जो है वो डायनामिक चीज है, मतलब एक पर्टिकुलर यही सफलता नहीं है। सफलता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके जीवन में जो है हो सकता है कि मतलब करोड़पति बनना एक सफलता मान सकते हो, मतलब हर किसी को करोड़पति नहीं बनना है, तो मैं तो कहूंगा कि बनना ही मत। जैसे ही वहां तक पहुंच जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा नीचे गिरना। तो कौन सी सफलता है? तो हम प्रयास ये करें कि जीवन जी लें, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर करें, हम जो कर रहे हैं। हाँ, खुश रहना बहुत सही बात है। तो टाइम है आप लोगों के पास? हाँ, फुर्सत से बैठते हैं। अच्छा लग रहा। अच्छा जी, एक टीचर ने बच्चों से लिखा कि बच्चों से कहा टीचर ने कि लिख के आओ कि आप बड़े होके क्या बनोगे। तो कई सारे बच्चों ने लिख दिया, किसी ने लिखा मैं लॉयर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, कुछ बनूंगा, सब लिख दिया। एक बच्चे ने लिख दिया मैं बड़े होके खुश रहूंगा। तो टीचर ने उसको बुलाया, उसने बोला कि ये तुमने क्या लिखा, मैंने तो बोला कि बड़े होके क्या बनोगे। उस बच्चे ने टीचर को बताया कि मैडम आपने अपने जीवन को गलत समझा है, तो आप खुश रहोगे तो कुछ भी बन सकते हो। नॉट नेसेसरी, ये गलत है। कुछ बनेंगे तब आप खुश रहेंगे, ऐसे मैं तो नहीं मानता। सॉरी, अदरवाइज मत लीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा पीड़ा होने को होता है जो कुछ बन जाते हैं, मतलब आपको जो है इसके आगे और क्या करना है। तो वे फिर अपने को सफलता की परिभाषा जो है बदलने की जरूरत है अपने समाज में। ये जो फास्ट जीने की जो चीजें आ गए हैं, फास्ट फूड आ गया है, फास्ट उठना बैठना, फास्ट जो है खत्म करना, फास्ट निपटाना, मतलब जितना ज्यादा आप चीजें निपटा लेंगे उतना आप बेहतर व्यक्ति हो, ऐसा समाज देखने लगा है। ये गलत है। शॉर्टकट, हाँ, छोटा कर देता है, बाईपास ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बाईपास फटाफट हो जाते हैं। पहले जो है 60 साल पे 70 साल पे बाईपास हो जाते थे, अभी 50 साल पे भी 40 साल पे बाईपास होने लगे। तो शॉर्टकट स्टंट्स भी जो है इसलिए उसका रेट कम करना पड़ा। तो आई डोंट थिंक सो, मेरा ये सोचना है कि आप और बुजुर्ग लोग हैं, कई सारे हम देख रहे हैं, भले ही धीरे हो आराम से चले। सेना से संबंधित मैं जवाब नहीं दे सकता। नेगेटिव न्यूज और पॉजिटिव न्यूज की बात है तो मेरा तो कहना है कि पॉजिटिव न्यूज चाहे कोई भी छापे, मैं आप लोग जो है मेरा फेसबुक और ट्विटर पेज का भी आप देखेंगे तो मैं कभी भी जो है नेगेटिव कभी नहीं उस पर लिखता, और हमेशा पॉजिटिव इंस्पिरेशनल। मार्टिन लूथर किंग ने कितना सुंदर बोला है, मैं उसको कई बार दोहराता हूं, इफ यू कांट फ्लाई, अगर आप उड़ नहीं सकते, इफ यू कांट फ्लाई रन, भागो, अगर आप भाग नहीं सकते चलो, अगर आप चल नहीं सकते रेंगो, कुछ तो करो। लेकिन हमेशा जो है मतलब चलते रहना चाहिए अपने गति से, पॉजिटिव होना है मेरा, मेरे हिसाब से उसी में आनंद है। ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, कमेंट्स ऑन ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, ट्रोलिंग जो एक बीमारी है बेसिकली,
सोशल मीडिया में जो ट्रॉलिंग होता है पीछे, ये बीमारी है। किसी ने कुछ, एक्स ने कुछ लिखा तो पीछे 10 लोग लग गए। तो ट्रॉलिंग को हमको यही देखना चाहिए कि आपको फुर्सत है तो पढ़ ले। और मैं तो ये कहता हूं कि ट्रॉलिंग उनका करें, उनका देखें जिसमें लोग जो है बहुत अच्छा व्यंग्य लिखते हो या फिर कॉमेडी लिखते हो, वो जरूर पढ़ेंगे, आनंद आएगा, थोड़ी देर हंस लेंगे आप। और फालतू का ट्रॉलिंग जो है बिल्कुल कभी ना देखें, टाइम उससे बच भी जाएगा। कॉमन मैन अगर मीडिया के पास जाता है तो मेजर चैलेंज करप्शन जो मिलता है, क्या करना चाहिए? कॉमन मैन जो है, मैं समझता हूं अभी भी जो है मीडिया कॉमन मैन के प्रति कुछ हद तक है, कुछ हद तक अगर वो लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, ये इशू टेकअप करने लायक है। बट मैंने कहा है कि वो बाजारवाद में कई कॉमन मैन मतलब कार्टून बन के रह गया है छोटा सा नीचे, ये नहीं होना चाहिए। कॉमन मैन को पर्याप्त स्पेस मिलना चाहिए, बट इसके लिए कॉमन मैन को अपनी ताकत पहचानना होगा। कॉमन मैन को भले ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अधिकारी सुने ना सुने अपनी बात तो रखो, कोई ना कोई तो सुनेगा ही सुनेगा, कहीं ना कहीं अपनी आवाज सुनाई देगा। तो कॉमन मैन को वही करना चाहिए। मीडिया आज भी जो है सुनता है, कई कॉमन आम आदमी से संबंधित इश्यूज को उठाते हैं। और सोशल मीडिया का प्रभाव इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा हो गया क्योंकि कॉमन मैन से संबंधित आज हम अगर देखते हैं कि एक महिला, कर्नाटक की एक महिला, अब उनका उनके बच्चे नहीं हुए तो उसने, उस महिला ने 2-3 किलोमीटर पे केवल पेड़ लगा के उस पेड़ को ही अपने बच्चे मान के जो बड़ा किया, उस महिला को पद्मश्री मिलता है, वो सोशल मीडिया के कारण मिलता है। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं जो समाज मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, समाज पहचान रहा है, तो वो सोशल मीडिया के कारण हो रहा है, वो मीडिया के कारण हो रहा है। तो हमें कुछ श्रेय जो है मीडिया को भी देना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अभी भी कॉमन मैन का पावर है और जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। बहुत सारे और दूसरे प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे सकता, मैंने कहा। और किसी का कोई प्रश्न है? चौथा स्तंभ तो रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वो अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर, मेरा सब्जेक्ट नहीं है आज वो, जब कभी समय मिलेगा, जब मैं उस चीज पे बात करने के लायक रहूंगा जरूर बात करूंगा। बट मेरा कहना है कि आज जो है, हाँ, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस जो है, मैंने कहा है कि मार्केटिंग बिजनेस जो है कई सारी चीजों में घुस गया है, लेकिन चैलेंज यही है कि उसको बचा के रखना है। हमारा, हम सबका जो है सामूहिक कर्तव्य बनता है कि कैसे मीडिया को हेल्प करे, कैसे मीडिया को सहेज करे, कैसे उनको बाजारवाद से हम भी रोक के रखें। और संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। ये जो संक्रमण काल से हम अगर गुजर रहे हैं तो ये तात्कालिक है, कोई भी संक्रमण काल तात्कालिक ही होता है, आप लोगों ने भी देखा है। कोई भी डिप्रेशन का इलाज जो है वो मतलब लंबा थोड़ी चला, थोड़े सालों के लिए चलता है। तो ये जो पीरियड है, हमको पेशेंटली मीडिया का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ही हमें सोचना है, पॉजिटिवली। जी, थैंक यू, धन्यवाद। टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज क्लिक ऑन टू द बेल बटन। फॉर फ्रेश अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।